हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस क्लास हियर एट प्रेजेंट वी आर स्टडीइंग चैप्टर साउंड एंड दिस चैप्टर कम्स इन साइंस फर्स्ट आई वांट टू टेल यू फर्स्ट थिंग दैट ऑल द चैप्टर्स व्हिच आर इन फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री दे कम्स इनटू साइंस फर्स्ट एंड ऑल द चैप्टर्स व्हिच आर इन बायोलॉजी comes into science again. This is a chapter from physics. So this chapter comes in science first. इसका word meaning हम science first meaning लेंगे. Clear है? कल हमने word meaning लिखने को भी दिया था. तीन चार बच्चों ने हमारे पास share किया हमारे लिए. बाकी बच्चे इसका मतलब नहीं पढ़ पाए. Students इधर जब से online classes इधर शुरू हुई हैं pattern में काफी कुछ बदला हुआ है. आपको वीडियोस 9 AM से लेकर 11 AM के बीच में ही मिल जाएंगे. ठीक है, हम आपके क्लास टीचर भी हैं इसलिए ये बात हम आपको बताना चाहते हैं. 9 AM टू 11 AM भी आपको मोबाइल के साथ बैठना है. उसी बीच में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. क्लास वाला होमवर्क भी उसी बीच में आपको डिलीवर हो जाएगा. इसलिए पूरा दिन परेशान होने की नीड नहीं है. आपको केवल 11 AM तक का टाइम देना है पढ़ने के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट साइंस ऑनलाइन क्लास साउंड एक्टिविटी 1, 2, 3. कल हमने एक्टिविटी 1 और 2 आपको बताई थी. आज हमारे एक्टिविटी 1, 2, 3 की हुई है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड दीज एक्टिविटीज आर वेरी सिंपल एक्टिविटीज. दीज आर इसको आप बहुत इजी में घर से कर सकते हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में हम आपको ये एक्टिविटी हम क्लास में करके दिखाएंगे. ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए अगर हमने आपसे बताया टू वाली एक्टिविटी को किसी भी चीज़ पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे खास तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है. वो साउंड हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है जिससे हम वो साउंड का सेंसेशन होता है. ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हमेशा साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब किसी चीज़ का वाइब्रेशन हो और वाइब्रेशन हम दो तीन वी यूज टू वाइब्रेट 3 things थ्रू विच साउंड प्रोड्यूसेस. हमने कल तीनों का नाम भी आपको बताया था कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑल ओवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली वाइब्रेशन ऑफ 3 things तीन चीज़ों का वाइब्रेशन हम कराते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तब उनसे हमको साउंड सुनाई देती है. कल हम आपको बताए थे मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन या तो हम कराते हैं. हमने इसका एग्जाम्पल दिया था आपको ढोलक आगे नहीं लिखेंगे कई चीजें ढोलक तबला ड्रम ये सब. अगर हम एयर कॉलम का वाइब्रेशन कराते हैं एयर कॉलम का तो भी हमको साउंड सुनाई देती है साउंड प्रोड्यूस होती है. इसका एग्जाम्पल है एयर कॉलम का फ्लूट एंड शहनाई. फ्लूट मतलब बांसुरी होता है इसमें माउथ ऑर्गन इन सब में हम एयर कॉलम का मूवमेंट कराते हैं. एंड लास्ट वन इज स्ट्रिंग बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें तार होता है फायर होता है स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग का मतलब होता है. तो स्ट्रिंग बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं गिटार एंड वीणा. हम लिखे थे सर बोर्ड पे कई चीज़ें लिखे थे आप जान बुझ के एक ही लिखना है अपने वहाँ एक ही लिखना है बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने से लिखिएगा सर्च करिएगा और कौन से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्ट्रिंग बेस्ड है. कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो एयर कॉलम बेस्ड है और कौन कौन से हैं जो मेम्ब्रेन बेस्ड है. एक्टिविटी टू में आपको उत्तर दिया हुआ है कि अगर हम एक रबर बैंड लें रबर बैंड सबको पता एक रबर बैंड लेके अपने टीथ में फंसा दें पुल करें और बीच में से उस रबर बैंड को हम अपवर्ड और डाउनवर्ड करें
तो हमको ये दिखाई देगा कि रबर बैंड में वाइब्रेशन हो रहा है, और रबर बैंड में वाइब्रेशन होने की वजह से जो उसके सराउंडिंग में एयर है उस एयर में भी वाइब्रेशन हो रहा है, और इसी एयर के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब हम एक रबर बैंड यहाँ बीच में अपने फंसाएंगे और यहाँ पर टाइट कर ली, यहाँ से रबर बैंड खींच के छोड़ रहे हैं, तो ड्यू टू वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, ड्यू टू वाइब्रेशन इन एयर साउंड प्रोड्यूस्ड, एंड दिस प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेट अवर ईयर ड्रम, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सेंस वेरी इजीली दैट विच टाइप ऑफ साउंड कम्स एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स। यही है एक्टिविटी टू आपकी बुक में दी हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं, एक्टिविटी थ्री। एक्टिविटी थ्री में क्या किया गया है, एक टम्बलर है, ग्लास है, उसमें हम वाटर ले रहे हैं, वाटर, और वाटर का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा इस टम्बलर में, वैसे वैसे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाटर का लेवल इतना है, ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये ग्लास है, इस ग्लास में वाटर का लेवल इतना है। अब हम इसको एक स्पून से हैमर करें, स्पून से इसकी स्ट्राइक करें, इस ग्लास में हमको साउंड सुनाई देगा, सुनाई देगा ना? ठीक। अब ये दूसरा टम्बलर है, इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक था, इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक, इस ग्लास पर भी स्पून से स्ट्राइक करें, साउंड प्रोड्यूस होगा, वो ऑडिबल साउंड है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, तीसरा ग्लास हम ले लेते हैं, इसमें हमने वाटर का लेवल यहाँ तक कर दिया, बस होना नहीं, इसको भी हम स्पून से स्ट्राइक करते हैं। अब क्या होगा, जब स्पून से स्ट्राइक करेंगे इससे भी साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका साउंड इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। साउंड प्रोड्यूस बाय ए ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड सी ग्लास, बट साउंड प्रोड्यूस बाय बी ग्लास ऑन स्ट्राइकिंग विद स्पून, साउंड प्रोड्यूस बाय बी ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड सी ग्लास, एंड साउंड प्रोड्यूस बाय सी ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम बी एंड ए ग्लास। डिफरेंट होगा, अपने घर पे करके देख लीजिएगा, ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, इसको आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसमें वाटर का लेवल, वाटर का लेवल चेंज हो रहा है, इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो साउंड भी अलग अलग होगा, सुनाई देगा, उसका वाइब्रेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो आज ये एक्टिविटी 1, 2, 3 हमने पढ़ी। इस एक्टिविटी 1, 2, 3 को आप रिवाइज करेंगे घर पर। आज का यही होमवर्क है स्टूडेंट, टुडेज होमवर्क इज रिवाइज एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 एज टॉट इन क्लास, एज एक्सप्लेन इन द क्लास। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड वी विल स्टडी अबाउट various types of sound produced in nature, about audible sounds and inaudible sounds, about ultrasonic and infrasonic sound waves, we will study later on in class. Students, this is all for today. Stay home and be safe, students. Thank you, class. Thank you.